अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हैदराबादी चैम्पियन चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है अत्तापुर से, यहाँ पर एक 100 स्क्वायर यार्ड पर G+1 हाउस फॉर सेल के लिए आया हुआ है, तो मैं आपको तफसील से पूरा वीडियो बताऊँगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरे साथ ओनर है, डायरेक्ट ओनर से बात करूँगा और स्क्रीन पर भी आपको डायरेक्ट ओनर का नंबर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी कॉलोनी में। चलिए आइए घर के पास जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं और ओनर से बात करते हैं। तो ये रहा आपका मकान 100 स्क्वायर यार्ड का। बाहर से आप एलिवेशन एक बार देख लीजिए और घर के आजू बाजू में काफ़ी अच्छे मकानात यहाँ पर G+1, G+2, G+3 और यहाँ पर आपको बिल्कुल करीब में मस्जिद मिल जाएंगी, जो कि वहाँ से मैं अभी मस्जिद के सामने से वीडियो स्टार्ट किया था। मस्जिद के बैक साइड पर यही रोड पर 100 स्क्वायर यार्ड का हाउस फॉर सेल है। ओनर से बात करेंगे, तफसील से यहाँ की पूरी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। जी मेरा नाम अहमद है, मैं ओनर हूँ ये घर का। जी ये इंडिपेंडेंट G+1 हाउस है सेल के लिए। ये जो है अत्तापुर, लोकेशन जो है अत्तापुर, पिलर नंबर 213 जन चैतन्य, फेज 3 पीस होम्स कॉलोनी में है। फेज 3 के अंदर, फेज 3 पीस होम्स। हाँ, ये कंप्लीट जो घर है बिल्डिंग परमिशन के साथ है। जी, GHMC अप्रूव्ड है। जी ठीक है। और नीचे 3 बेडरूम, ऊपर 3 बेडरूम है कंप्लीट। आप देख सकते हैं रोड 30 फीट रोड है यहाँ पर। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बैंक लोन है, बैंक लोन मिल जाता है आपको। GHMC अप्रूव्ड प्रॉपर्टी असेसमेंट करा हुआ है। जी, हाउस नंबर है और डायरेक्ट ओनर हूँ मैं, ऐसा एजेंट कोई नहीं है। डायरेक्ट ओनर से आप जो है ना रापता कर सकते हैं कस्टमर। तो अंदर जाएंगे, सारी वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। 2 BHK प्लस हॉल गेस्ट रूम के साथ ये मकान आपको मिल रहा है, रेडी टू मूव, न्यू कंस्ट्रक्शन, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। अंदर भी जाके एक बार सारा जायजा लेंगे। तो ये रहा आपका एंट्रेंस में फर्स्ट गेट। जैसा आप इंटर करते ही आपको यहाँ पर ओपन प्लेस एरिया मिलेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, 2 मीटर है फर्स्ट फ्लोर का सेपरेट मीटर और ग्राउंड फ्लोर का सेपरेट मीटर। अगर आप मकान लेके फर्स्ट फ्लोर का भी चाहे तो किराए पे दे सकते हैं। यह है बोर का बोर्ड। यहाँ से डायरेक्ट आप अंदर इंट्रेस्ट करने के बाद ये रहा आपका हॉल। नीचे मार्बल का काम किया गया है। ये रहा आपका हॉल। ये वॉल कलर भी आप बिल्कुल बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है और सीलिंग के काम के साथ ये मकान आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो ये रहा आपका फर्स्ट में हॉल। सीधा हॉल से अपन जाएंगे फर्स्ट बेडरूम। ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आपको अटैच बाथरूम के साथ यहां पर आपको फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। ये देख सकते हैं आप बेडरूम में वॉल कलर, देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर काम किया गया है और सीलिंग का काम भी कंप्लीट, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन यहां पर आपको सीलिंग में मिल जाएगा। सीधा यहां से फर्स्ट बाथरूम, अटैच बाथरूम जो कि फर्स्ट बेडरूम में आपको मिलेगा। पानी की फैसिलिटीज है, बोर और सम भी यहाँ पर बनाया गया है। G+1 है और 3 और 4 का फाउंडेशन यहाँ पर दिया गया है। ये रहा आपका अटैच बाथरूम। अब जाएंगे अपन सेकेंड बेडरूम में। ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम। यहाँ पर भी सीलिंग का काम किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से और वॉल कलर भी आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है सेकेंड बेडरूम में। यहाँ पर ये जो ओपन प्लेस वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया है, सेटबैक भी है वेंटिलेशन के लिए, हवा आने के लिए, हवा के लिए, प्लस जो है वॉश एरिया भी बना सकते हैं, वॉश एरिया भी बना सकते हैं। और ये बैंक लोन के लिए जरूरी है ये। जी हाँ, जो बैक साइड में जो सेटबैक छोड़े, सेटबैक जो छोड़ते हैं, ये बैंक लोन के लिए बहुत ही जरूरी रहता। ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम से अपन जैसा अंदर बाहर निकलते हैं आपको ये रहा आपका हॉल। अब यहां से अपन गेस्ट रूम लेफ्ट निकले तो आपका कॉमन वॉशरूम। ये रहा आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से आपको ये रहा ओपन प्लेस वॉशिंग एरिया, डक्ट एरिया है, डक है वेंटिलेशन के लिए जो ऊपर। ये रहा आपका किचन। किचन भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है।
ये आप किचन में देख सकते हैं, आप सामान वगैरह रखने के लिए सज्जे भी बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये घर का काम किया गया है। तो जिस किसी भाई को ये हाउस फॉर सेल के लिए आया हुआ है, जो लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ओनर का नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जैसा अपन हॉल में से आपको लेफ्ट साइड में कॉमन वॉशरूम और किचन के बाद ये आपको मिलेगा डायरेक्ट गेस्ट रूम। ये रहा आपका गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में भी माशाल्लाह वॉल कलर और सीलिंग का काम किया गया है। तो अभी यह है कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का वीडियो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे जाने की। यह आपका ओपन प्लस एरिया से यहां पर आपको नीचे सम भी है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सम भी बनाया गया है यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए। और यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता रहेगा। यहाँ से अपन जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए स्टेयर पे काफ़ी स्पेस भी है, आप आराम से सामान ऊपर टर्न कर ले सकते हैं, अलमारी वगैरह। बहुत ही बड़े स्टेयर है और रेडी टू मूव है। बहुत ही अच्छा लग्जरी हाउस ये बना गया है अत्तापुर पर। जैसा अपन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, ये रहा आपका फर्स्ट हॉल। एक बार कंप्लीट पहले हॉल की वीडियो देख लीजिए, सीलिंग वगैरह देख लीजिए आपको, फिर उसके बाद मैं पूरे बेडरूम वगैरह भी बताऊंगा। नीचे के मुकाबले में ऊपर के रूम बड़े हैं। ये रहा आपका हॉल। यहां पर फर्स्ट बेडरूम जो कि अटैच बाथरूम के साथ मिलेगा, ये आपका फर्स्ट बेडरूम। यहां पर भी सीलिंग का काम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी बेहतरीन तरीके से किया गया, वॉल कलर भी बहुत अच्छा है। ये रहा आपका अटैच बाथरूम। ये ओपन प्लेस वॉश बेसिन एरिया। तो ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम से सीधा अपन जैसा बाहर की तरफ निकले, राइट साइड पर आपको और एक बेडरूम मिलेगा। ये बेडरूम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, सीलिंग का काम और वॉल कलर बहुत ही अट्रैक्टिव कलर यहाँ पर दिया गया है। और विंडो छोड़े, यहाँ वेंटिलेशन नीचे जो सेटबैक छोड़े ना तो जी उसका वेंटिलेशन है। लाइट बंद भी हो गई तो रूम में वेंटिलेशन रहता। यहाँ से जो विंडो है हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए, और बहुत ही अच्छा घर है, मकान है जो कि आपको हर तरफ से रोशनी मिलेगी और हवादार घर है। तो ये जो एरिया दिया गया, ये किस लिए दिया गया सभी? ये वार्डरोब शेल्फ बनाने के लिए छोड़े। अच्छा, ऊपर आजकल जो एल्यूमिनियम या जो है लकड़ी में बनाना है तो बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्पेस छोड़ी गई इधर। ये रहा आपका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम से अपन सीधा बाहर की तरफ निकलेंगे या फिर से हॉल में आ गए अपन। यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको किचन मिलेगा और ये रहा कॉमन वॉशरूम। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का कॉमन वॉशरूम। वाटर है, बोरवेल है, सम है, और ये डक्ट का सेंटर में भी डक्ट का वेंटिलेशन के लिए छोड़ा। वेंटिलेशन है सेंटर, घर के सेंटर में भी वेंटिलेशन है, देख सकते हैं आप। ये रहा आपका किचन, फर्स्ट फ्लोर का किचन है। जो कोई भी मकान खरीदना चाह रहे डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ओनर का नंबर आपको स्क्रीन पे, टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये रहा आपका किचन। किचन में आपको देखिए पानी की अगर बात करेंगे तो किचन में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पर सज्जा दिया गया है आपको, ताकि आप आराम से सामान वगैरह रख ले सकते। फिर अपन फर्स्ट फ्लोर पे जैसा अपन किचन से बाहर निकले फिर हॉल में आ गए। ये रहा आपका, देखिए एक बार गेस्ट रूम भी मैं आपको बता दूँ। सीलिंग का काम देख लीजिए एक बार गेस्ट रूम का, और वॉल कलर वगैरह बहुत ही अट्रैक्टिव कलर। सीधा यहाँ से आपको गेस्ट रूम से आपको यहाँ पर एक स्पेस, ये किस लिए दी गई सब? जो है ना शेल्स, वार्डरोब जो भी है बना सकते हैं, बना सकते हैं। काफी बड़ी स्पेस यहाँ पर दी गई है। तो ये सामने बालकनी है, ये अपने को बालकनी जो है घर के मेन रोड पर, ये बालकनी का एरिया है आपका। ये रहा आपका घर के सामने जो रोड है, और सामने बिल्कुल मस्जिद मिलेगी। आजू बाजू का एरिया बहुत ही डिसेंट पीसफुल एरिया है,
और यहाँ पर काफ़ी सारे मकान जो है G+1, G+2, G+3। अत्तापुर पिलर नंबर क्या था? 213 पिलर नंबर। जी हाँ, फेस 3 जनचेतनिया कॉलोनी, पीस होम्स कॉलोनी बोलते हैं। पीस होम्स कॉलोनी जी। और यहाँ पर क्या रेट चल रहा साहब अभी? यहाँ पर जो है ना 55,000 पर स्क्वायर यार्ड चल रहा, 55,000 to 60,000 पर स्क्वायर जमीन की वैल्यू है जी। तो अभी अपन ये जो मकान अपन अभी बताए इसका प्राइस क्या होगा सब? ये इसका प्राइस 98 लाख है, स्लाइटली नेगोशिएबल है, बैंक लोन अवेलेबल है जी। और ये घर कम्प्लीटली जो है ना असेसमेंट करा हुआ है, हाउस नंबर इश्यूड है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड है और डायरेक्ट ओनर हूँ मैं, ओनर से डायरेक्ट जो है ना आप 98 लाख। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप आके चेक करके ले सकते हैं। डायरेक्ट ओनर का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। एक बार आप यहाँ पर आके तशरीफ लाके घर का पहले जायजा लीजिए और मायना कीजिए घर का, और आजू बाजू का अतराफ का तमाम एरिया का जायजा लेके आप घर खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉलोनी में, बहुत ही अच्छे एरिया में और हाई डिमांड एरिया है ये अत्तापुर, जो कि आपको गोल्डन हाइट्स कॉलोनी है और मेन रोड से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है। मेन रोड से कंप्लीट जनचेतनिया में 4 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 जी। ये जो अपना घर है फेज 3 में है, फेज 3 कंप्लीटली डेवलप्ड एरिया है जी। तो यहाँ से अपन अब ये रहा आपका टेरिस पे का रास्ता है जी। टेरिस साहब कितना फाउंडेशन है अपने को? G+1 बना हुआ है बिल्डिंग परमिशन के साथ है जी, अपने बिल्डिंग परमिशन के साथ है। इसको और 2 फ्लोर का फाउंडेशन है जी, ऊपर देख सकते हैं आप 1500 लीटर के एक एक टैंक है, 1500 लीटर के एक एक टैंक यहाँ पर, जो कि ग्राउंड फ्लोर को अलग सेपरेट। हाँ, एक पीने के पानी की, पीने के पानी की अलग। माशाल्लाह, ये रहा आपका टेरेस। ये टेरेस पे और 2 फ्लोर डालने का इसमें जो है ना फिजिबिलिटी है, डाल सकते हैं और 2 फ्लोर डालने। अच्छा, गुंजाइश है कि और 2 फ्लोर फाउंडेशन डाल सकते, फाउंडेशन 2 फ्लोर के फाउंडेशन यहाँ पर और डाल सकते हैं आप। ये देख लीजिए आप टेरेस एक बार, टैंकी वगैरह देख लीजिए, आजू बाजू का एरिया देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छी कॉलोनी, बहुत ही अच्छे डेवलप एरिया में यह मकान आपको फॉर सेल के लिए आया हुआ है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर ओनर से कांटेक्ट कीजिए और आके आप मकान यहाँ पर देखिए, उसके बाद परचेस कीजिए। बहुत ही अच्छा घर है, क्लियर टाइटल है, रेडी टू मूव है और सारी फैसिलिटीज के साथ है, हर वो चीज़ मिल जाएंगी आप, डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर है। आप बैंक से लोन वगैरह भी कोई लेके घर परचेस करना चाहते तो ले सकते। देखिए आप आजू बाजू का एरिया देखिए, पूरा डेवलप एरिया में, मेन रोड से बिल्कुल करीब में ये मकान आपको मिलेगा 100 स्क्वायर यार्ड पर। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।